वेलकम टू करियर रिव्यू चैनल। ठीक है, तो अभी जो है ना लोग सर्किट की सेकंड वीडियो उसको कंटिन्यू करते हैं जो डायोड सर्किट हमने स्टार्ट किया था। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी 1.38। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे गिवन है, एक सर्किट गिवन है। ठीक है, सर्किट के अंदर आपसे पूछा गया आउटपुट वोल्टेज दे रखी है। यहाँ पे आउटपुट है, उसने यहाँ पे एक एमीटर सॉरी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जो डीसी एवरेज एवरेज वैल्यू को कंसीडर करता है, मतलब नोट करता है। तो बताओ उसकी कितनी वैल्यू आएगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये डायोड है यार, ये आपने कुछ इनपुट लगाई और ये आपके पास एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस इसने यहाँ पे एक डीसी वोल्ट मीटर लगा रखा है, मतलब वोल्ट मीटर लगाया जो एवरेज वैल्यू चेक करता है। ठीक है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब जब पॉजिटिव हाफ अप्लाई करोगे तो इनपुट आएगी, जब नेगेटिव हाफ अप्लाई करोगे इनपुट नहीं आएगी। और इसके ऐसे केस के अंदर आपके पास और इनपुट जो है वो साइनोसॉइडल है। तो अगर जैसे आपके पास इस टाइप की इनपुट है, तो इस टाइप की इनपुट के लिए आपको पता है जो आपके पास आउटपुट आने वाली है वो कुछ ऐसी आएगी। फर्स्ट हाफ में आउटपुट आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर पॉजिटिव हाफ में आएगी। तो आपको याद हो अगर इसकी वैल्यू वीएम होती है, सपोज इसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, तो जो आउटपुट होती है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है, वो आती है वीएम बाय पाई। अगर हाफ वेव होता है, अगर ये फुल वेव होता तो आउटपुट आती 2 VM/π। ठीक है, बट ये हाफ वेव है। ठीक है, तो आपके पास वीएम की वैल्यू 10 गिवन थी डिवाइड बाय पाई। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो सिंपल सी बात है यार, आंसर आ जाएगा 3.18 वोल्ट। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो क्वेश्चन ये 37 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लो एक बार कि आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो डायोड है D1 और D2। ठीक है, दोनों के दो डायोड कैसे हैं, आइडियल हैं। ओके, तो और कैपेसिटर जो वो वैल्यू सेम है, सी और सी है ना, आइडेंटिकल है। और ये कहता है द प्रोडक्ट आर सी इज वेरी लार्ज। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कैपेसिटर आ गया ना डायोड के साथ तो टाइम कॉन्स्टेंट का पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा है, टाइम कॉन्स्टेंट गैस का बहुत ज्यादा है। उसका मीनिंग अभी थोड़े टाइम बाद बताऊंगा आपको। ऐसे ये आपको पता ही है, क्लियर है नेटवर्क से हमें, मतलब इसका इफेक्ट क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे कि टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो रहेगा, आरसी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो आपके पास तो और किससे ज्यादा है, टाइम पीरियड ऑफ एसी वोल्टेज जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया ना उससे ज्यादा है ना। ऐसे तो कोई ज्यादा का मीनिंग ही कुछ नहीं है, किसके कंपेरिजन में, किसके टाइम पीरियड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अभी डायोड और ये कहता है अगर ये रिवर्स बायस है तो ऐसा नहीं कि डायोड सड़ जाएगा या ब्रेक बर्न आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सर्किट बनाया गया है। अभी क्वेश्चन ये है द आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे जो आउटपुट इस टर्मिनल, यहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो गैप आ रहा है वोल्टेज का, वो पूछा गया आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस। ठीक है, तो वो पूछा है, तो अभी इसके सोल्यूशन पे जाएंगे। तो ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, ये रहा 137 नंबर। तो अभी क्वेश्चन में क्या आपके पास ये आपको कोई जो डायोड थे हमने ये कनेक्ट कर लिए, यहाँ पे इनपुट लगे, सर्किट एज इट इज ड्रॉ किया। ठीक है, तो जब मैं पॉजिटिव हाफ लगाऊंगा तो ये ऐसे इस टाइप से ये इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट है मैंने अप्लाई की, आप देख रहे हो जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ अप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। और ये पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है और नीचे भी पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों डायोड हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। और फॉरवर्ड बायस हो गए तो शॉर्ट हो गए, देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गए दोनों, यहाँ पे शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज का टर्मिनल है, ये वोल्टेज का टर्मिनल चला गया यहाँ पे कैपेसिटर के पास, और यहाँ पे भी चला गया नीचे की तरफ, इधर से घूम के यहाँ पे भी चला गया, और नेगेटिव वाला चला गया यहाँ पे और यहाँ पे। और आप देख रहे हो वोल्टेज के नेगेटिव और वोल्टेज के पॉजिटिव कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा चार्जिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है जो वोल्टेज सोर्स ही कैपेसिटर के पैरेलल में है तो जितनी वोल्टेज आएगी वही कैपेसिटर को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ से कि इसकी अगर बात करो, ठीक है, तो अगर इसकी बात करो यहाँ से, ये इनपुट मैंने अप्लाई की, इनपुट अप्लाई की तो कैपेसिटर जो ऐसे चार्ज होगा इस तरीके से, देखो यहाँ तक मैक्सिमम वोल्टेज तक। ठीक है, ये चार्जिंग दिखा रखी मैंने, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट। अब देखो जैसे ये 10 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया, अब आपके पास इनपुट की जो वैल्यू है वो 10 से कम जा रही है। देखो इनपुट की वैल्यू 10 से कम जा रही है, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिल रही है वो 10 है जो पहले से थी, लेकिन अब जो नए वाली मिलने वाली है वो 10 से कम है, तो
तो यहाँ पे जो डायोड था ना इन बिटवीन, जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास डायोड था वो ये डायोड क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएंगे और ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कई बुक्स में ना ये मतलब कई बार आपको लगता है कि जैसे पॉजिटिव हाफ पूरा खा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको पता है पॉजिटिव हाफ से पहले ही ना, मैं आपको बता दूंगी पॉजिटिव हाफ से पहले ही क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है ये जो डायोड आपके पास, ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा उससे पहले ही। तो जब ये ओपन सर्किट ही हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो पॉजिटिव टर्म, ये जो यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, सॉरी अभी तो यही की बात चल रही है, अभी तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है और यहाँ पे नेगेटिव ही है, तो अभी बीच में इसका कनेक्शन टूट जाएगा यहाँ से इन डायोड की वजह से, इनके साथ कनेक्शन टूट जाएगा। तो आप और नेगेटिव में तो श्योर है, आपको भी पता है कि जब मैं यहाँ नेगेटिव अप्लाई करूंगा तो डायोड रिवर्स बायस रहेगा तो वैसे कनेक्शन टूट जाएगा। बट ये सारी कहानी होने के लिए ना, मैंने आपको बताया ये सारी कहानी होने के लिए T/4 तक की जरूरत पड़ती है सिर्फ यहाँ तक, ऐसा नहीं कि हाफ टाइम के बाद। तो आपको पता है इसके बाद ये जैसे ये चार्ज हुआ आपके पास कैपेसिटर, उसके बाद डायोड ओपन सर्किट हो गए, और अब क्वेश्चन क्या है, अब आपके पास जो सर्किट बचा वो सिर्फ एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और उसके बाद रेजिस्टेंस, इतना सर्किट बच गया। और अब आपके पास जब कोई सोर्स नहीं होता और R और C बचे हुए हैं तो इसका मतलब कैपेसिटर्स जो है वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेशली मेंशन था कि RC इज वेरी मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये है वो इनपुट अपने चक्कर काटती रहेगी, ये डायोड की जो वोल्टेज है ना वो कम होने वाली नहीं है, इसका मतलब जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगी 10 वोल्ट पे, ठीक है। इसका ये मीनिंग होता है, ऐसे वैसे होता नहीं है ये, थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे जाने की बजाय ना ये थोड़ा सा ना ये ऐसे जाता है इस तरीके से डाउन जाता है, लेकिन ठीक है इसने बोला तो हम क्या करेंगे उसको कांस्टेंट करके रखेंगे कहाँ पे 10 वोल्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे 10 वोल्ट फिक्स हो गया, यहाँ पे भी 10 वोल्ट फिक्स हो गया, तो स्टडी स्टेट का मतलब अब ये डायोड तो कभी ऑन हो ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब तो अब आगे साइकिल्स का कोई मीनिंग नहीं रहा, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे केवल अप्लाई करूँ, केवल तो यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं ऊपर की तरफ, अब देखो याद है आपको ये इसकी निचले वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव तक चार्ज हुई थी, नेगेटिव तक तो और -10 तक चार्ज हुई थी। तो अगर मैं केवल लगाता हूँ ऐसे घूम के केवल लगाऊंगा ऐसे, तो आपको पता है मैंने बताया था मैं नेगेटिव जो बाद में टर्मिनल आता है ना उसको कंसिडर करता हूँ साइन को, तो ये बन जाएगा आपके पास -10, ठीक है। ये आ गया आपके पास -10 आ गया, -10 और यहाँ से -10 फिर +10 फिर -Vout इज इक्वल टू 0। तो यार ये 10 और ये 10 कैंसिल कर देंगे तो Vout कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्टडी स्टेट के अंदर आपके पास जो आउटपुट आने वाली है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास 0 रहेगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 36 इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपको सर्किट गिवन है कुछ, ठीक है। सर्किट के अंदर आपके पास क्या Vout दे, ये है ना ये ऑन दे रखा है, एक्चुअली थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको, वी ऑन ये कह रहा है कि अगर डायोड ऑन हुआ ना तो इतनी वोल्टेज मिलेगी उसको, मतलब वो सोर्स बनता है ना फॉरवर्ड बायस में, अदरवाइज आइडियल, मतलब अगर रिवर्स है तो वो शॉर्ट हो जाएगा और कोई आर नहीं है इसका, ठीक है, इंटरनल वो कोई इम्पीडेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। वो डायोड मॉडल होते हैं वो आप डायोड की आपको नॉलेज होगी बिल्कुल सही से, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूछा गया है यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ये करंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो पहले ध्यान से, सर्किट देख लो, सर्किट देख लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में जाएंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन है और मेरा इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसे कभी डायोड आए ना तो आप इसको ओपन करके देखो, पहले इसको हटा दो, इसको हटा के देखो और क्वेश्चन को ना सोल्व करो ऐसे, फिर देखो जो आपने इसको हटाया क्या वो सही था। मैक्सिमम टाइम हम ऐसे करते हैं डायोड के केस में, ठीक है, लेकिन ये ना कंफ्यूजिंग सा सीन होता है कि ओपन करें शॉर्ट करें, तो मैं तो नॉर्मल क्या करता हूँ ताकि गलती ना हो, 1 सेकंड आपको 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा लेकिन आप श्योरिटी के साथ आंसर कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो मैंने इसको क्या किया पॉजिटिव ही किया, मतलब इसको शॉर्ट करके ही देखा कि सपोज ये फॉरवर्ड बायस था तो जब ये फॉरवर्ड बायस होएगा तो एक बैटरी के जैसे ही काम करेगा, काम करा दिया इसको, बैटरी लगा दी। अब ना ऐसा करने के बाद ना सर्किट को सोल्व करो, सर्किट को सोल्व करने का मतलब है कि उसमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं ना वो सब निकाल लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राउंड अगर है, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो इस टर्मिनल पे 2 वोल्ट आएगा, ये भी 2 शॉर्ट है, 2 वोल्ट आ गया यहाँ पे भी, ठीक है, इधर 0 है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है तो आपको पता है नेगेटिव साइड में जा रहा है तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ जाएगी, कम होगी ना, 2 से आप नीचे डाउन साइड में आ रहे हो तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी 1.3। इसका मतलब क्या मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ,
क्योंकि आपको ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो ये आ जाएगा करंट आपके पास कितना, देखो I2, I2 कितना आ रहा है, I2 आ रहा है आपके पास 1.3 -0/6 के, तो ये कुछ करंट आ गया ऐसे। तो क्या मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये वोल्टेज कितने हैं, 2 वोल्ट, और ये कितना 1.3, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा 2 ओम, 2 किलो ओम में से ये जाएगा 2 -1.3 दैट इज 0.7 / 2K, 2K मैंने अप्लाई कर दिया इधर, ये डाल दिया तो ये वैल्यू आई इतनी। अब अगर आप यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे ये देखो इस पॉइंट के ऊपर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ यहाँ, तो केवीएल क्या कह रहा है कि जो करंट इधर से आ रहा है वो और जो करंट ऊपर से आ रहा है उन दोनों का समीशन नीचे जाने वाले करंट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो, तो अगर आप देखो I1, ये जो करंट है यहाँ से इधर से आ रहा है I1 और ऊपर से आ रहा है I डायोड, ये किसके इक्वल आना चाहिए, I2 के। ठीक है, मैंने पुट कर दिया I1 + I डायोड इज इक्वल टू I2। तो आप देख रहे हो यहाँ से I डायोड की जो वैल्यू है ना वो आएगी I2 - I1। अब I2 इतना है, I2 आप देख रहे हो इतना है, I1 ज्यादा है, तो I2 में से I1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने डायोड में से करंट ऐसे फ्लो कराया था ना वो ऐसे नहीं, बैक साइड ऐसे फ्लो कर रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपके पास डायोड कभी भी ऑन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम डायोड की जाएगी, तो हम यहाँ से एक चीज श्योर होगी कि डायोड अगर नहीं कर सकता, अगर फॉरवर्ड बायस हो सकता है तो रिवर्स तो हो सकता है ना, तो रिवर्स करने का क्या मतलब है, इसको ओपन कर दो। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो इसको सर्किट से हटा दो, और अगर आप सर्किट से इसको हटाओगे, ठीक है, तो ये सर्किट कुछ इस टाइप से इतना बन जाएगा ऐसे। बस तो यार आपसे यहाँ करंट पूछा गया, फिर तो सिंपल है ना, 2 वोल्ट आपको दे रखा है, ये 6 और 2 8 इसमें सीरीज में है, तो 2/8 करने से कितना करंट फ्लो करेगा, 0.25 mA जो है करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने जो डायोड यहाँ पे उसको रिवर्स बायस किया ना, क्या वो सही किया आपने, ऐसा हम चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूंगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ना वोल्टेज कैलकुलेट कर लूंगा, उनका गैप देखूंगा, उनका जो गैप है ना, ऐसे था ना डायोड आपके पास, देखो ऐसे था, ऐसे था, तो इसकी जो वोल्टेज है ना ये V1 - V2 वो 0.7 से कम आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 0.7 से ज्यादा आ गई इसका मतलब वो ऑन हो सकता था। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ तो पता चल गया V1 2 वोल्ट है, आपको करंट यहाँ पता चल गया तो आपको पता ही इस पॉइंट पे V2 कितना आ जाएगा, जितना करंट यहाँ से पास कर रहा है उसको 6K से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे वोल्टेज आ रही है 1.5, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज है 2, दोनों का गैप कितना बना, 0.5। तो देख रहे हो ये 0.7 से कम आया, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन सर्किट जो हमने किया वो सही किया, मतलब उसके अंदर कोई गलती नहीं है जी यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज करेक्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6K रेजिस्टेंस विल बी 0.25 mA। डन जी क्वेश्चन, तो ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है ऐसे, मतलब आप वन बाय वन, लेकिन ऐसा है ना कि जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कि प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये हमने 1.36 1.36 डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1.35, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो, ऐसे आपके पास एक सर्किट है, ये हाफ वेव सर्किट होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो कैपेसिटर लगा रहते हैं उसको सी फिल्टर बोलते हैं, तो उसका क्वेश्चन है ये। तो कहता है सपोज ये इनपुट जो है वो एक क्या है, ये कोई ट्रेंगुलर वेव इनपुट है, और जो आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी शो कर रखी है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। फिगर शोज अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद दिस द लोड, ड्रॉ अ करंट, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोड है कोई, उसमें से करंट जा रहा है, फिक्स करंट है फ्रॉम द रेक्टिफायर। द फिगर ऑल्सो शोज द इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है, दे रखी है, आउटपुट वोल्टेज VC एंड द पीक टू पीक वोल्टेज रिपल U, ठीक है, इन दोनों पीक टू, ये पीक है, ये भी पीक है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये भी पीक है और ये भी पीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको पीक टू पीक बोला उसने, जिसकी वैल्यू जो है गैप की वो दे रखी है आपको U, ये U दे रखा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है भाई ने, ये पूछा है द इनपुट वोल्टेज VI एज द ट्रेंगुलर वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड उसका 10 है वो भी ठीक है, अच्छा, और उसका टाइम पीरियड भी गिवन है, ये पूछ रहा है कि रिपल ये वोल्टेज कितनी आएगी। तो यार सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखो,
आपको पूछा गया है ये वैल्यू कितनी आएगी, ये रिपल वोल्टेज, ये जो गैप है इन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो गैप है, ये आपसे पूछा गया है। एक चीज नोटिस करो कि भाई यहाँ से लेके, चलो इसके सोल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा पहले यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि आप देख रहे हो जब भी कैपेसिटर, सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं एनालिसिस, तो यहाँ से जो कैपेसिटर है अगर मैं फॉरवर्ड ये हाफ अप्लाई करता हूँ, तो आपको बताइए फॉरवर्ड की वजह से कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, तो आप देख रहे हो ये कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक फुली चार्ज हो गया इस पॉइंट तक। अब जब आप क्या करोगे, डाउन जाएगा ये, जब डाउन जाएगा फिर आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर को 10 मिल गई, पीछे से आ रही है 10 से कम, तो ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस और ये ओपन हो जाएगा। इसका मतलब अब सिर्फ सर्किट इतना बचेगा, ये जो बाकी सर्किट है ना ये बचेगा, और इसके अंदर एक फिक्स करंट फ्लो कर रहा है। और आपको बताइए जो करंट सोर्स है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो आपको बताइए ये जो कैपेसिटर है ना ये थोड़ा सा डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। ये देख लो आप यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ऐसे, मतलब यहाँ पे अगर कैपेसिटर की वैल्यू थी तो ये डिस्चार्ज करेगा ऐसे, और यहाँ पहुंच के ना इस पॉइंट पे ये फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि आपको, आपने देखना है कि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 थी तो ये कितना डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब ये चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करता हूँ, मतलब ये चार्ज हो गया यहाँ तक, इस मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया, तो डिस्चार्जिंग के टाइप के सर्किट तो सिर्फ इतना बचा ना, जब डिस्चार्जिंग का सर्किट था वो सिर्फ इतना था, तो डिस्चार्जिंग के सर्किट पे मैं कह सकता हूँ कि सर्किट के अंदर से एक कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा था। तो और आपको पता है जब भी आपके पास कैपेसिटर में से कुछ करंट फ्लो करता है तो उसकी इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी, ये आपके पास एक इक्वेशन होती है कैपेसिटर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है वो यही होता है। तो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक ये डिस्चार्ज हो रहा है ऐसे, मतलब वोल्टेज में कुछ चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, यू का, है ना, यू का चेंज आ रहा है, कितने टाइम में। और आपको बताइए चार्जिंग के लिए ना बहुत कम टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि चार्जिंग के लिए टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, जीरो, ये तो शॉर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। देखो ये वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, ये ना अप्रोक्सीमेटेड होता है सारा एनालिसिस, तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये चार्जिंग वाला टाइम, ये बहुत ही माइन्यूट, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड लगा लो आप, कि बहुत कम टाइम है। तो बहुत कम टाइम का मतलब है कि मैं जो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो टाइम है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, टोटल टाइम मान सकता हूँ, है तो ये डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक है, बट मैं इसको टोटल टाइम मान सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस टोटल टाइम के अंदर वोल्टेज में कितना चेंज आया, इस वोल्टेज के अंदर वो चेंज आया ये यू, सी आपको गिवन है, करंट आपको पता है, तो निकालना क्या भाई, अच्छा यू निकालना, ठीक है, ये यू आपको दे नहीं रखा, तो इसके आंसर के ऊपर जाएंगे जहाँ पे सॉल्व किया गया, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है इधर, ये रहा यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है सी इज इक्वल सी डी वी बाई सी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आई, और अगर आप देखो ध्यान से जो कर्व थी उसके अंदर, ठीक है, तो एक एक ही चीज देख लो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, कि जो रिलेशन होता है ना, ये जो रिलेशन होता है हमारे पास करंट, ये वाला रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है उसके अंदर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे करंट उल्टा जा रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लगाया था। तो मैंने लिखा सी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो रूल के हिसाब से तो क्या था, रूल के हिसाब से आपके पास यहाँ पे ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो था वो डिस्चार्जिंग टाइम था, लेकिन मैंने आपको बताया कि चार्जिंग टाइम बहुत कम सा होता है, इसलिए इसको टोटल टाइम भी लिख लेते हैं, जो कैपिटल टाइम अप्रोक्सीमेटेड एनालिसिस है। वोल्टेज के बीच का जो गैप आएगा वो कितना आएगा, यू आ जाएगा, और आपको पता है वी फाइनल आप देख रहे हो ना ऐसे था, इस तरीके से था, तो आप देख रहे हो जो वी फाइनल था ये वी फाइनल था, ये वी इनिशियल था, वी फाइनल कम था इसलिए यहाँ पे माइनस यू आया, है ना, वी इनिशियल ज्यादा था फाइनल कम था, डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू -1। तो आप देख रहे हो यहाँ से अगर मैं सी टी की वैल्यू पुट करता हूँ, सी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से ई आराम से मिल जाएगी, ये यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 2.10 वोल्ट, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, अभी ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 1.35, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.34, ठीक है। तो यार ये नेटवर्क का क्वेश्चन है, आप मैं इसको थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ, इसके अंदर जो काम है ना वो नेटवर्क है, मेन तो इसको सपोज मैं एक रेजिस्टेंस मान लेता हूँ आर,
यार उसके बाद ही कुछ नहीं बचा। देखो एक सोर्स है, एक डायोड है, फिर आर है, हाफ वेव रेक्टिफायर वाला सीन है, और उसके अंदर आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी होती है आपको याद है? हाफ वेव के अंदर अगर वोल्टेज आपने वीएम अप्लाई की तो वीएम बाई पाई तो होता है एवरेज वैल्यू हाफ वेव में, और वीएम बाई टू होता है क्या, वीएम बाई टू होता है आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज होते हैं वीएम बाई टू, और एवरेज वोल्टेज होते हैं वीएम बाई पाई। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं वीएम, तो मतलब सारा सीन ना इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का है, ये नेटवर्क का पार्ट है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट इससे ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 134 था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 133, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो एक बार जरा। इन द सर्किट शोन एज्यूम दैट द डायोड डी वन एंड डी टू आर आइडियल, द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वी ए बी इन वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। ठीक है, तो ये सर्किट है, इसको मैं सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ, वहीं से बात बनेगी हमारे पास। ये आपके पास 1.33 का सोल्यूशन है। ठीक है, ये रहा, तो ये सर्किट था जी आपके पास, ये सर्किट था। इस सर्किट के अंदर मैंने क्या किया, पहले पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया। अब देखो ये ना पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ है ना, तो मैं इसको ये लिखा मैंने 6 पाई साइन ओमेगा टी, और मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ C π 6 π एंगल 0 डिग्री, फेजर टाइप से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे सोल्व करता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया इसको, और आप देख रहे हो जब मैं पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट है ना, ये क्या हो जाएगा ओपन, और ठीक है इतनी सी बात है, ये शॉर्ट हो गया ये ओपन हो गया, तो सर्किट आपके पास कुछ ऐसे बचेगा। अब देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, ये तो ओपन की तरफ चला गया, पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगी इस पॉइंट पे वो कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पे थी 6 π 0 एंगल 0, नीचे 0 था तो ये सारी जगह 0 ही रहा है ना। अब बात ये है हमें तो वी ए भी निकालना है, मतलब मुझे इस पॉइंट पे भी वोल्टेज चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ से एक सर्किट तो ये है, और एक ब्रांच तो ऐसे है सीधी, और एक ब्रांच ऐसे है। तो यार क्या मैं डिवाइडर रूल लगा के, अगर आपको पता है कि यहाँ पे 6 π वोल्टेज है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से इसमें से जो भी करंट फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंग में डिवाइडर रूल लगा सकते, क्योंकि ब्रेक नहीं है ना बीच में करंट में, कहीं जा नहीं रहा कहीं बीच में से, सिंगल सर्किट ऐसे। तो मैं डिवाइडर रूल अगर लगाऊंगा तो क्या रखूंगा, 20 को ऊपर रखूंगा, टोटल से डिवाइड करूंगा, और इनपुट वोल्टेज आ जाएगी 6 π। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 के डिवाइड बाय 30 के इंटू 6 π एंगल 0। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो वीबी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 π एंगल 0 आ जाएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है अगर आपने वीबी निकाल लिया तो वीएबी कितना आएगा, VA - VB, और आप देख रहे हो VA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है ये इस पॉइंट पे वैल्यू है इतनी 6 π एंगल 0, और इस पॉइंट पे कितनी है इस पॉइंट पे ये, तो दोनों का जो सॉरी ये सॉरी सॉरी ये इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू इतनी है और ये VB जो है वो इतना है, इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 2 π एंगल। आपको ध्यान रखना जब एंगल सेम होता है ना वैल्यू को डायरेक्टली माइनस कर सकते हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी ए बी आया वो कितना है, 2 π एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये तो था पॉजिटिव हाफ, जब मैं नेगेटिव हाफ अप्लाई करूंगा, देखो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ है ना, तो जब मैं नेगेटिव हाफ अप्लाई करूंगा तो ये हट जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा इस बार, और ये हट जाएगा, तो सर्किट आपके पास कैसा दिखा, कैसे बनेगा आपके पास, जो सर्किट बनेगा वो रहेगा ऐसे, देखो ये शॉर्ट हो गया ये ओपन हो गया। ठीक है, अब अगर और देखो यहाँ पे आपने नेगेटिव हाफ है ना, तो नेगेटिव हाफ के लिए आपको पता है -6 π, तो मैंने माइनस की बजाय ना इसको 6 π एंगल 180 डिग्री लिख लिया, लिख सकते हैं बिल्कुल, या तो -6 π लिखो। ठीक है, या फिर आप क्या लिखो, देखो नेगेटिव का मतलब है यार नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, अब पॉजिटिव तो 0 है ये तो ग्राउंड है, तो यहाँ पे कितना आएगा -6 π वोल्ट ना, तो उसको -6 π लिखने की बजाय मैंने 6 π एंगल 180 डिग्री लिखा। आई होप इसको ये आप समझ में आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो ये आपको बताइए अगर यहाँ से शॉर्ट है तो यहाँ पे और ये सारी जगह वैल्यू कितनी चली जाएगी, यहाँ तक 6 π एंगल 180 डिग्री, ये सारा ग्राउंड था नीचे, बट आपको तो इस पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर कोई करंट इस साइड की तरफ चला तो वो सीधा ऐसे जाएगा नीचे ग्राउंड की तरफ, कहीं बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ, और ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो हाफ हाफ आएगा। तो अगर यहाँ 6 π 180 डिग्री है तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ
यहाँ पे आ जाएगा 3π 180 डिग्री। वैसे भी आप लगा सकते हो रूल, ये रेजिस्टेंस ऊपर दोनों का टोटल नीचे, ठीक है, इनटू ये। तो आप देख रहे हो VA की जो वैल्यू आई कितनी, 3π 180 डिग्री। लेकिन हमें तो VA भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, VA भी के लिए VA माइनस VB करूंगा, जब तो कितना आ जाएगा, -3π 180 डिग्री। और आपको पता है 180 डिग्री और माइनस, इसको अगर अंदर इंक्लूड कर लोगे तो 3π एंगल 0 बन जाएगा। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि भाई क्या समझ में आ रहा है, कि चाहे आप पॉजिटिव हाफ लगाओ चाहे नेगेटिव हाफ लगाओ, जो VAB है ना वो पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखो, ये आपने इनपुट अप्लाई की, ऐसे जब आपने पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया तो आउटपुट आ रही थी 2π एंगल 0। 2π एंगल 0 मतलब 3 तो सोने टोटल पॉजिटिव ही थी। जब आपने नेगेटिव हाफ लगाया तब भी एंगल 0 ही आया, मतलब ये ऐसे ही आएगी ऊपर की तरफ, 3π एंगल 0, ठीक है। तो आपको पता है यार, इसको इसकी एवरेज वैल्यू आपसे पूछी गई क्वेश्चन के अंदर, जो आउटपुट है ना उसकी एवरेज पूछी गई है। तो इसकी एवरेज का मतलब ये है कि मैं इसको दो अलग अलग वेव के अंदर तोड़ सकता हूँ। ऐसे देखो, साइनसोइडल है ना ये, ऐसे इधर की तरफ लगे हैं डॉटेड डॉट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे पीरियोडिक का, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पीरियोडिक है, दो पीरियोडिक के डीसी का सम डायरेक्ट सम हो जाता है। और ये आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफाइड है, ये भी हाफ वेव रेक्टिफाइड है, तो इसकी कितनी आती है, Vm/π, ठीक है, तो 2 Vm, 2, तो Vm कितना है, 2π, तो इसकी एवरेज कितनी बनेगी, ये बन जाएगी, इसकी एवरेज कितनी बनेगी, नीचे वाली ये बन जाएगी, दोनों का डायरेक्ट सम हो जाता है। आपको पता है एवरेज के अंदर ना डायरेक्टली सम कर सकते हैं हम लोग, दो वेव अगर ऐसे हैं, इवन 3 है 4 है जितनी भी है, तो डीसी वैल्यू क्या होती है, सभी का सम हो जाती है। तो होपफुली यार आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, कि आपने जो क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको सारे क्लियर हो जाने चाहिए। एक बार आप खुद से करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमें चीजें समझ में आ गई। बट मेरी कोशिश यही है कि आप डायरेक्ट जो बैक साइड के अंदर, कई बार बुक्स के अंदर जो डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन होते हैं उसके भी हाफ पे आप जज ना करें क्वेश्चन को, ठीक है। कई बार समझ भी नहीं आता है फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं आपको करेक्ट पूरी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो दे रहा हूँ यहाँ पे, कि ये आंसर आए कैसे हैं सारे के सारे। अभी क्वेश्चन नंबर 132 डिस्कस कर लेते हैं। 1.32, आप इसके स्टेटमेंट देख लो पहले एक बार, डायोड आइडियल दे रखे हैं, दो कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है, द एवरेज वोल्टेज VAB, ये VAB है यहाँ पे, इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पे, इसकी इसकी ये बताना है आपने कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है ना, क्वेश्चन देख लो, अभी इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132, 1.32, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सर्किट था आपके पास, ये सर्किट देख रहे हो आप, इस सर्किट को मैंने पहले थोड़ा सीधा कर लिया ऐसे, देखो यहाँ से सोर्स है, सोर्स था, सोर्स लग गया, कैपेसिटर था, कैपेसिटर लग गया, ये पॉइंट आ गया आपके पास यहाँ पे, इसके आगे एक डायोड था, फिर डायोड से बाहर की तरफ एक टर्मिनल था, ऐसे इसको थोड़ा बना के ऐसे लिखा, सीधा कर लिया थोड़ा। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, ये वैसे आपको याद ही होगा, डबलर टाइप के सर्किट होता है, तो कभी भी इस टाइप का सर्किट आए ना, तो आपने ध्यान देना, आपने वर्किंग तब स्टार्ट करनी होती है जब इसका नेगेटिव हाफ आता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसकी वर्किंग समझाते, मैंने ऐसे पहले लिखा, मैंने ऐसे इनपुट को बनाया, और इनपुट जो वर्किंग है वो स्टार्ट की यहाँ से इसको 0 मान के चलाओ, ठीक है। तो जब मैं नेगेटिव हाफ लगाऊंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, क्लियर है जी, बिल्कुल। तो अगर मैं नेगेटिव हाफ लगाऊंगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और आप देख रहे हो बिल्कुल कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कोई टाइम ही नहीं, टाइम कॉन्स्टेंट 0 है ना, और नेगेटिव हाफ के अंदर ये ओपन हो जाएगा, तो आगे सारा सर्किट टूटा पड़ा है। तो सर्किट सिर्फ इतना ही है, जितनी इनपुट लगाओगे वो कैपेसिटर को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज हो रहा है ऐसे नीचे की तरफ, देखो यहाँ से नीचे की तरफ चार्ज होता जा रहा है, और इस पॉइंट पे T=T/4 नेगेटिव के ऊपर इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी -50 वोल्ट, है ना, -50 वोल्ट तक ये चार्ज हो चुका है। लेकिन इनपुट थोड़ी रुकेगी, इनपुट तो आएगी वापिस। अब इनपुट वापिस आने का मतलब क्या है, कि इनपुट आपके पास कहाँ तक जाएगी, इनपुट तो जाएगी आपके पास -50 से ऊपर की तरफ, -50 से ऊपर की तरफ मतलब -49, ऐसे ऐसे जाएगी। तो आप देख रहे हो जब इनपुट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये जो डायोड है ना ये ऑफ हो जाएगा, है ना, कैसे, देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे शो कर देता हूँ, ये देखो, देखो ये डायोड को मैंने यहाँ पे वोल्टेज मान ली VD, कुछ किया शो, हाँ VD1 मान लिया इसको, सपोज ये सपोज VD1 आपके पास, ये तो सेकंड हाफ का, सॉरी ये सेकंड हाफ का डिस्कस कर रहा हूँ ना, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ इधर ही। तो
तो ये इक्वेशन लगाई हुई है, देखो टी इज इक्वल टू टी बाय फोर पॉजिटिव, यहाँ पे इसके थोड़ा सा आगे इनपुट वोल्टेज हो जाएगी, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू ली -49, कम होगी, मतलब वैसे तो बढ़ गई ऊपर की तरफ जा रही है, तो -50 से -49 चली है। तो अगर मैं केवीएल लगाऊं तो केवीएल में क्या आएगा, देखो -49, ठीक है, केवीएल के अंदर क्या आएगा यहाँ पे, ये -49 माइनस ये है ना, और जब यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कैपेसिटर की ये प्लेट नेगेटिव और ये प्लेट पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ के अकॉर्डिंग। तो अब ये वोल्टेज तो होगी -49, ठीक है, और ये 50 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया, देखो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी -49, ठीक है, +50, ऐसे है ना, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, फिर कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव, फिर डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे रूल लगाया गया है, तो -49, ठीक है, -49, ये +50 +50 प्लस वी डायोड इज इक्वल टू 0, तो वी डायोड की वैल्यू आएगी -1, और वी डायोड की जो अगर पोलैरिटी देखो तो मैंने पॉजिटिव नीचे और वैसे ही लिया पीएन जंक्शन की जैसे, अगर वो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, तो वो डायोड हट गया, तो उस डायोड के हटते क्या सीन होएगा फिर बताओ, अगर वो डायोड यहाँ से हट जाता है, ठीक है, अगर वो डायोड सिस्टम में से चला गया, तो आपके पास पीछे क्या सर्किट बचा, पीछे जो सर्किट बचा ना वो सिर्फ इतना बचा, ये तो हट गया, ये सर्किट बचा ऐसे, और आपको पता है कि यहाँ पे -49 -48 नीचे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, समझ रहा नहीं कैसे, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सपोज ये वैल्यू है 48, ठीक है, ये वैल्यू है 50, तो आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ पे रूल लगाऊँ क्या लिखूंगा, -48, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, -48 +50, ठीक है, +50, और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, माइनस वी डायोड इज इक्वल टू 0, सपोज अभी ये कैपेसिटर नहीं आया, वैसे चार्जिंग वो वैसे बात कर रहे हैं कि कितनी आ रही है इसको, तो आप देख रहे हो यहाँ से इज इक्वल टू 0 जब मैं पुट करूंगा तो वी डायोड की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये कैपेसिटर भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कब, यहीं पे जो आपने ये मार्क किया ना ये P/4, यहीं से दूसरे कैपेसिटर की चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर, ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो यार आपको पता है ये तो अपने डिस्चार्जिंग नहीं छोड़ेगा, तो जितना चार्ज है उतना पे ही रहेगा, तो फाइनल स्टेज के अंदर, और इसको जो भी ये चार्जिंग रहेगी इसकी फाइनल जब स्टडी स्टेट आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान ली वी आउट, ठीक है, तो वी आउट मान के मैंने क्या किया, केवीएल अप्लाई किया ऐसे, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा ना किसी वोल्टेज तक, और जो वोल्टेज है वही आपकी वी आउट है, यहाँ पे जो कैपेसिटर को मिलेगी वही तो वी आउट है, तो यहाँ से अगर मैं इसका केवल लगाता हूँ तो क्या आएगा, +50 ऐसे, फिर +50, फिर -VAB इज इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हो VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 50 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का सा बस हमें थोड़ा चाहिए होता है कि वर्किंग थोड़ी अच्छे समझ में आ जाए, तो अगर आपको बेसिक्स थोड़े क्लियर है वो कैपेसिटर वगैरह की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, और क्वेश्चन नंबर ये 1.32 था, 1.31, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये आप पहले क्वेश्चन देख लो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ठीक है, एक करंट सोर्स ऐसे सर्किट भी हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ से नीचे की तरफ इस 4 किलो ओम में से नीचे की तरफ कितना करंट फ्लो करेगा आई, वो पूछा गया आपसे, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की बात करेंगे सीधा ही, और अगर मैं इसके सोल्यूशन को देखूँ ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूंगा डायोड को ना ओपन, मैंने आपको बताया था डायोड को ओपन करके देखा करो, उसको मैंने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो ऐसे इस पर अप्लाई किया, ठीक है, क्वेश्चन पहले था उसमें शायद लास्ट वीडियो में था वो क्वेश्चन डायोड से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था उसको ओपन करके देखा करो, तो अगर मैंने उसको ओपन कर दिया तो यहाँ से जो करंट था 1 mA जो ऊपर से आ रहा था वो 200 में डिवाइड हो गया इधर और इधर, और आपको पता है डिवाइडर रूल से ये सीरीज में है 6K और ये भी सीरीज में 9K, तो आपको तो इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो 9 के ऊपर आएगा, आपको पता है अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर आता है टोटल नीचे, तो जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा 0.6 mA करंट आ जाएगा यहाँ से। अब मुझे करनी है क्रॉस चेकिंग कि क्या मैंने सही किया डायोड को ओपन करके, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 0 वोल्ट है सपोज, ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ से करंट नीचे की तरफ आ रहा है 0.6, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी 2.4 वोल्ट है
ना, आएगी ना यार, 4K है, इतने का करंट है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 वोल्टेज यहाँ पे आएगी। अच्छा, अगर 0.6 करंट इस डायरेक्शन में आएगा तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? 0, क्योंकि ये 1 है ना, पीछे से आ रहा है। 0.6 इधर चला गया तो इधर कितना चला जाएगा? 0.4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी इस पॉइंट पे? वो आएगी 6K × 0.4 मिली, तो वो भी आएगी 2.4। इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। और आप एक चीज देखो, अगर इसको ऑन होना पड़ता तो करंट ऑब्वियसली ऐसे फ्लो करता है ना, करंट ऑब्वियसली ऐसे फ्लो करता। और अगर करंट ऐसे फ्लो करता ना, तो कुछ भी करंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू है सपोज 2.4 है, तो ये जो पोटेंशियल आता 2.4 से थोड़ा सा ज्यादा आता, सपोज 2.5, लेट अस से। तो इसका मतलब तो ये है ना, ये जो वोल्टेज इसके लेफ्ट में जो वोल्टेज है 2.5 से भी ज्यादा होनी चाहिए थी अगर इसको ऑन करना था। सपोज इसकी वैल्यू 0.7 है इसको ऑन करने की, तो अगर यहाँ पे 2.5 बनना तो यहाँ तो 3.2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा, तो हमने जो एजम्पशन मानी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 131 था। अभी क्वेश्चन नंबर 130 डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है यार, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 130 ये देख लो आप, ये एक क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास इसके अंदर क्लैंपिंग, अगर ये क्लैंपर सर्किट है, तो जो ऊपर कंडीशन ऑप्शंस में कंडीशन गिवन है उनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपने बताना कौन सी इनमें से ऑप्शन ट्रू है। तो इसको समझने के लिए मैं सर्किट पे जाऊंगा, इसका सर्किट बताता हूँ आपको, वर्किंग बताता हूँ क्लैंपर की कैसे होती है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी। तो ये आपके पास सपोज कोई सर्किट है, और ये आपने कुछ स्क्वेयर वेव, ऐसे क्वेश्चन में साइनोसॉइडल है भी, मैं स्क्वेयर से समझा रहा हूँ इजीनेस के लिए। आपने स्क्वेयर वेव इनपुट पे अप्लाई कर दी, तो आप देख रहे हो, जब आपने, मैंने आपको बताया था कभी भी सर्किट क्लैंपर और ये सब डिस्कस करना तो ये देखा करो कैपेसिटर, ये डायोड कब शॉक हो रहा है फॉरवर्ड, तो ये तो पॉजिटिव में फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं पॉजिटिव से एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। तो मैंने जब पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव से ये शॉर्ट हो गया ऐसे, और इसके शॉर्ट होने की वजह से ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया ऐसे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, और वैसे तो इसकी डीसी वैल्यू थी वीएम, तो वीएम तक ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब जैसे टी इज इक्वल टू पी बाई टू पॉजिटिव की बात करेंगे, जस्ट बात आपका आ जाएगा नेगेटिव हाफ यहाँ पे, यहाँ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हाफ तो आएगा। और लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर नेगेटिव हाफ जब आएगा तो ये डायोड हो जाएगा ओपन, ऐसे ओपन हो गया डायोड, ठीक है। डायोड अगर ओपन हो गया आपके पास, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर डायोड चला गया तो सिर्फ आर बचा ना, सर्किट सिर्फ इतना बचा, ये सर्किट बच गया आपके पास। अब अगर मैं बात करता हूँ सर्किट के हिसाब से, तो आपको पता है कि क्लैंपिंग के लिए, पता क्या होता है, क्या क्लैंपिंग के लिए ना, इसकी वोल्टेज को ना सेम रखना होता है, ताकि ये डिस्चार्ज ना करे, क्योंकि तभी तो क्लैंप हो पाएगा ना, कि अगर ये अपनी डिस्चार्जिंग नहीं होने देगा तभी तो इसके अंदर जो इसकी वोल्टेज उतने का शिफ्ट आ पाएगा। क्लैंपिंग का मतलब होता है कि लेवल से शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो अगर ये अपनी वोल्टेज को लूज कर देगा फिर तो शिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब इसको आपने डिस्चार्ज नहीं होने देना। तो यार डिस्चार्ज अगर नहीं होने देना, तो इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट है उसको बड़ा कर दो ना, उसको बहुत बड़ा कर दो, उसको क्या करो, इनपुट का जो पीरियड है, जो उसका इनपुट का टाइम पीरियड है उसे बहुत ज्यादा कर दो, तो कभी ये डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा। और अगर ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा तो अपनी वोल्टेज को सेम रखेगा, और अगर ये अपनी वोल्टेज को सेम रखेगा तो मैं केवल के हिसाब से बता सकता हूँ। यहाँ से देखो, केवल लगाओ नेगेटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए क्या है, ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस वी एम, क्योंकि ये फुल चार्ज था, और यहाँ पे वोल्टेज माइनस वी नोट, तो आप देख रहे हो वी नोट की वैल्यू कितनी आई, -2 वी एम आ गई, तो लेवल इसका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। बट हाँ, अगर ये कहीं डिस्चार्ज हो जाता तो आपको पता है ये वैल्यू -VM ना आगे कुछ हो रहा थी, तो ये इसका लेवल डाउन रहता, तो ये क्लैंप ना कर पाता। अभी सेम सीन जो है हम क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया किसके लिए, अगर साइनस वो स्क्वेयर वेव थी, साइनसोइडल में सेम सीन है। देखो ये इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर क्या करेगा, इसे चार्ज करेगा ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ T/4 के पास पहुंचने के बाद वो डायोड, आपको कई बार बता चुका हूँ मैं जी, कि भाई जब यहाँ पे आएगा तो इनपुट की वैल्यू कम आएगी, उस वो फुल डायोड फुल चार्ज है, इनपुट उससे नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जो डायोड उसके साथ लगा होता है ना, कैपेसिटर फुल चार्ज है यहाँ पे, लेकिन जो इनपुट है वो उससे कम है, तो जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज आएगी वो उसको क्या कर देगा, रिवर्स बायस कर देगा, और रिवर्स बायस करने का मतलब है कि वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ओपन सर्किट हो जाएगा तो फिर से सर्किट इतना ही बचेगा, और फिर से बात वही आती है कि क्लैंपिंग एक्शन अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि क्लैंपिंग एक्शन हो,
तो इस कैपेसिटर को अपनी वोल्टेज को लीव नहीं करना, मतलब डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और डिस्चार्जिंग के लिए सिर्फ फिर से वही एक्शन आएगा कि आर सी शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 130 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज वीडियो को शेयर कर सको तो कर दो, वैसे तो फायदा ही होगा, आपके जो दोस्त होंगे कई लोगों को हो सकता है ना बताओ। ठीक है, तो ये वैसे तो आप अच्छी अच्छी जगह कोचिंग करी हो, सारा कुछ आपको आता है, बट एक ठीक है, एक सोचा मैंने कि आपको कहीं कुछ जो लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, या फिर जिनको कुछ डाउट्स रहते हैं क्वेश्चन के अंदर कोचिंग करने के बाद भी, तो वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्दर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है मतलब, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज वो डाउट डाल दे, उसमें कमेंट कर दे, और जो भी आप जहाँ कोचिंग कर रहे हो आपका कोई अलग से क्वेश्चन है वो भी आप उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और ठीक है, शेयर कर देना यार, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना इसको, चैनल को थोड़ा, है ना। चलो ठीक है, चुपचाप अभी बंद करते हैं इसको।